Hey guys, welcome back to our channel. तो आज हम आ चुके हैं एम्स्टर्डम में और आज का एक्सपीरियंस होने वाला है हमारा काइंड ऑफ अ फूड ब्लॉग, क्योंकि हम आए हैं एम्स्टर्डम रेस्टोरेंट में और काफ़ी एक्साइटेड हैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए. तो मैं आपको बता दूं, हम आए हैं स्पेशली जो सुरेश राणा ने रिसेंटली अपने न्यूज़ में सुना होगा रेस्टोरेंट ओपन किया है, तो हम आए हैं वहीं पर और आपके साथ शेयर करेंगे अपना एक्सपीरियंस वहाँ का. एंड आपने न्यूज़ में देखा ही होगा, दो तीन दिन पहले ही अनाउंस हुआ है दैट ही हैज़ ओपन अ न्यू रेस्टोरेंट. सो वी हैव कम हियर टू हैव ए नाइस एक्सपीरियंस विद अवर स्मॉल फैमिली एंड देखते हैं वहाँ का एम्बियंस कैसा है एंड ऑफकोर्स खाना कैसा है, हाउ मच यू नीड टू पे एंड ऑल दोस थिंग्स. सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो. अभी रेस्टोरेंट स्टार्ट ही हुआ है ना, तो आप देखोगे तो इनके पास यहाँ पे काफ़ी लिमिटेड ऑप्शंस है. अगर आप कंपेयर करोगे जो आप वेबसाइट में देखते हो, तो वो एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए. स्टील के ग्लास में है, काफ़ी अच्छा लगा. थैंक यू. टेस्ट वाइज भी काफ़ी अच्छी है और अब हम स्टार्टर्स ट्राई करेंगे और आपको भी बताएंगे. स्टार्टर्स में हमने ऑर्डर किया है पनीर टिक्का एंड समोसे. मेरा खाना तो थोड़ा सा मिक्सअप होने वाला है बच्चों के साथ, तो मैं हाथ से ही प्रेफर करूँगी. तो खाती हूँ आपको भी देसी स्टाइल में और आपको भी बताती हूँ कैसा है. भाई खाना अच्छा है या नहीं ये तो आप बच्चों को देख के ही देख सकते हो. अना इज एंजॉयिंग द समोसा, सी एंड ही इज वेटिंग नाउ. मम्मा गिव मी समोसा. इन दोनों बच्चे नेहा को खाने के लिए थोड़ी दिक्कत हो रही है. खाना आ चुका है, मैं तो सेल्फ सर्विस में बिजी हूँ. बच्चों ने दोनों ने रोटी खाना प्रेफर किया, तंदूरी रोटी थी, तो बस वो हमने और एक्स्ट्रा ऑर्डर कर दिया एंड आयरा इज़ वेरी बिजी ईटिंग दैट. और यस, व्हाट डू यू वांट, ही इज़ लुकिंग फॉर फूड. ही वांट्स टू ईट एज़ वेल. ये चीज़ हम बहुत अच्छी लगती है कि हमारे बच्चे इंडिया से बाहर रहते हैं पर दे लव इंडियन फूड. अभी आप देखोगे इज लविंग. हमने ऑर्डर किया है मलाई कोफ्ता और ही इज़ लविंग इट. और ऐसा नहीं है, थोड़ा स्पाइसी भी है, फिर भी ही इज़ लविंग इट. है नहीं चीज़ बताओ ना, यूजुअली हम इंडिया से बाहर खाते हैं तो हमें ना थोड़ी थोड़ी मैदे की लगती है, पर ये बनी है प्रॉपर आटे की, जो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. और आप देखोगे मैं थोड़े देसी स्टाइल में लगी हुई हूँ, वो बच्चों का भी टेक केयर करना, तो हम तो ऐसे ही खाते हैं भाई, वो थोड़ा अवॉइड करना, पर वैसे खाना काफ़ी अच्छा था. आई लाइक मम्मा एंड पापा एंड व्हाट यू लाइक टू ईट. आई लाइक रोटी. वेयर इज योर रोटी. अब सोचोगे मैं ना अभी सोच ही रही थी खाते खाते कि यार ओनियंस मिसिंग है, और अंकल आए बेचारे स्पेशली पूछा और देखे गए, तो वो काफ़ी अच्छा लगा. और मैं अभी बिजी हूँ, मेरा अनि बिजी है खाना खाने में. आएगा कब देख के, तो इतनी खुशी है मुझे, मतलब इतनी अच्छी क्वांटिटी में दिया है देसी चाय. चीज़ें मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत अलग थी. यहाँ पे गाजर का हलवा था स्वीट डिश में एंड आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड टू हैव इट. रियली नाइस.
ओवरऑल हमें इस रेस्टोरेंट की लोकेशन काफ़ी अच्छी लगी और सर्विस भी काफ़ी अच्छी थी, जो हमें थोड़ा सा हमें लगा कि इस चीज़ पे और काम किया जा सकता है। वो हमें लगा कि अगर रायना का रेस्टोरेंट है तो थोड़ी लुक एंड फील आनी चाहिए थी क्रिकेट से रिलेटेड, तो वो हमने डेफिनेटली मिस की। एंड सेकेंडली अमाउंट तो ऐसे नॉमिनल ही है जो यहाँ पे नॉर्मल रहता है, स्टैंडर्ड रहता है, बट क्वान्टिटी हमें कंपेरेटिवली थोड़ी सी कम लगी। Okay,